वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास हमने पिछले वीडियो में आपके जो लास्ट चैप्टर है 8, ये 8 चैप्टर हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम ऑलरेडी क्या कर लिया था, हमने रीड कर ली थी या फिर रिवाइज कर ली थी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के ना ये शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन आपके रह गए थे, आज हम इनको करेंगे। और जो ये लेबल वाला पोर्शन है एफ़ पोर्शन, ये भी रह गया था, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट में नेम एनी 4 पार्ट्स ऑफ एमएस पेंट विंडो। एमएस पेंट विंडो के ना कोई 4 पार्ट आपने लिखने हैं। 4 तो लो कोई बात नहीं, 4 आपको याद नहीं होंगे तो 3 लिख लेना। सबसे पहले है टाइटल बार, टाइटल बार, ठीक है, TITLE टाइटल बार, BAR बार, ठीक है, ये बन गया आपका टाइटल बार। दूसरे नंबर पे है ड्राइंग एरिया। ड्राइंग क्या होती है, किसी चीज़ को जब आप ऐसे लिखते हो पेंसिल की हेल्प से, कोई शेप्स वगैरह बनाते हो, वो ड्राइंग हो जाती है। और एरिया, ड्राइंग एरिया। पेंट बटन, पेंट बटन, ये मैंने यहाँ पर बच्चों आपके लिए 3 टाइप्स या 3 पार्ट्स लिखे हैं एमएस पेंट के, ठीक है। पहले नंबर पे है आपका टाइटल बार, दूसरे नंबर पे है आपका ड्राइंग एरिया, ठीक है, थर्ड नंबर पे है आपका पेंट बटन, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच टूल, भी कौन सा टूल है, इज यूज्ड टू फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट, कहता है कि कौन सा टूल आप यूज़ करते हो कलर फिल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट में। अब कलर फिल, कलर की बात कर रहा है ये किसी ऑब्जेक्ट में, तो आपका जो आंसर होगा वो इससे रिलेटेड ही होगा, फिल विद कलर टूल, कि फिल विद कलर टूल, ये टूल होता है जिसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करते हो। नेक्स्ट है नेम एनी 2 टूल्स इन पेंट, भी पेंट में ना पेंट के कोई भी 2 टूल्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है ओवल, क्या आता है, ओवल। सेकंड नंबर पे आता है लाइन, लाइन। ओवल क्या होता है, ऐसी शेप होती है ओवल की, भी आप ऐसी शेप भी बना सकते हो एमएस पेंट में। लाइन क्या होती है, आपको सीधी लाइन करनी है, टेढ़ी लाइन करनी है, कौन सी लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हो। नेक्स्ट है विच टूल इज़ यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, अब कौन सा टूल आप यूज़ करोगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। लाइन मतलब लाइन ही है, तो लाइन टूल ही यूज़ होगा, ठीक है। विच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ रेट्रेंगल, रेट्रेंगल को, एक रेट्रेंगल ड्रॉ करना है अब आपको, तो कौन सा टूल यूज़ करोगे, रेट्रेंगल टूल, लाइन टूल, रेट्रेंगल टूल, क्योंकि क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था इसलिए लाइन टूल यूज़ हो गया, रेट्रेंगल ड्रॉ करने के लिए बोला था इसलिए रेट्रेंगल टूल यूज़ हो गया। अब है विच बटन इज यूज टू चेंज द थिकनेस ऑफ एन लाइन, लाइन की थिकनेस, लाइन की थिकनेस को क्या करना है, चेंज करना है, तो कौन सा बटन आप यूज़ करोगे। थिकनेस क्या होती है बेटा, कि आपने अपनी लाइन को कितना मोटा करना है, कितना बारीक करना है, यानी कि उसका साइज, तो वो उसके लिए कौन सा क्या करोगे।